हेलो एवरीवन, कुक विद गुरमीत में आपका स्वागत है। और आज की जो ये रेसिपी है ना, ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बना रहे हैं हेल्दी और टेस्टी बीटरूट का चीला। और ये जो चीला है हम बनाएंगे गेहूं के आटे से और रागी के आटे से, दोनों से ही बनाएंगे। तो बीटरूट और रागी दोनों ही हमें विंटर्स में ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले लिया है मैंने ये बीटरूट को रफली चॉप कर लिया है और अब इसे हमें बॉईल करना है। बीटरूट को अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अब इसे हमें पीसना है, तो ध्यान रखिए जब ये बीटरूट थोड़ा ठंडा हो जाए ना, उसके बाद ही इसे पीसेंगे। और अच्छे से पीस कर इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। और अब लेते हैं एक बाउल। तो यहाँ हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से और रागी के आटे से चीला। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है गेहूं का आटा और यहाँ पर 1.5 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा। और साथ ही ले लेंगे एक बाउल में हम रागी का आटा। यहाँ लगभग मैंने 1 कप रागी का आटा लिया है। अब इसे कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने डाला है भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। रागी का आटा हमें ज़रूर खाना चाहिए, रागी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ मसालों में मैंने लाल मिर्च भी ऐड कर दी है और थोड़ी सी हल्दी भी। और अब ऐड कर देंगे ये बीटरूट का पेस्ट, दोनों ही आटों में हम ऐड करेंगे। और अब बीटरूट और मसालों को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने बीटरूट को बॉईल करने में पानी यूज़ किया था ना, वही पानी हम इस बैटर को बनाने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। बैटर थोड़ा सा मैं थिक रख रही हूँ। सपोज़ आपको यहाँ पर डोसा बनाना हो तो बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली कर लें। मैं यहाँ थोड़ा थीक ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे इसका चीला बनाना है। तो इस चीले में हम बीटरूट भी खा रहे हैं, रागी भी खा रहे हैं, बहुत ही हेल्दी है। और बीटरूट भी हमारी स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बीटरूट को भी हमें इसे खाना चाहिए। और अब बना लेते हैं हम चीला। और चीला बनाने के लिए यहाँ मैंने तवे को गर्म किया है, थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल से या घी से। और सबसे पहले बना लेते हैं हम ये रागी के आटे का चीला। सपोज आप बड़ों के लिए बना रहे हो ना, तो इस बैटर में ही प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं किड्स के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने बैटर में नहीं ऐड किया है। यहाँ मैं प्याज और टमाटर को कट करके इस तरह से चीले के ऊपर ही लगा रही हूँ। एक्चुअली बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं इसे गार्डन लुक देना चाह रही हूँ। बच्चों का क्या, कुछ क्रिएटिव, कुछ डेकोरेटिव चीज़ें बहुत सुंदर अच्छी लगती हैं, तो वो इसे अच्छे से खाते भी हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया, थोड़ा सा मीठा नीम चिपका दिया है। और अभी बैटर गर्म है ना, तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएंगे और इसे पलटा कर भी हम पका लेंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और दोनों साइड से हम चीले को अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा प्रेस करते हुए पकाएंगे ताकि जो प्याज टमाटर लगाए ना, वो इस पर अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट में एक चीला बनकर रेडी हो जाता है। थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ धनिया पत्ती। और मेरे पास थोड़े से ये सीड्स रखे थे, ये पम्पकिन सीड्स और सफ़ेद तिल, ये ऑलरेडी रोस्टेड हैं तो ये भी मैंने लगा दिए हैं। तो ये हमारा गार्डन लुक का रागी चीला हो चुका है रेडी। बच्चों को इस तरह से आप बना के खिलाएंगे ना, तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से खाएंगे। और ब्रेकफास्ट, लंच, स्कूल लंच बॉक्स, किसी में भी आप इसे खा सकते हैं। और इस तरह से हम बना लेते हैं गेहूं के आटे का भी चीला।
ये जो गेहूं के आटे का चीला है ना, थोड़ा इजीली स्प्रेड होता है एज़ कम्पेयर टू रागी के आटे से। रागी का आटा थोड़ा सा ड्राई होता है। और इसे भी मैंने गार्डन लुक दे दिया है। यहाँ मैंने हरी मिर्ची भी लगा दी है। अगर आपके किड्स हरी मिर्च नहीं खाते हो ना, तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये चीला, जो है ना बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही। तो आप इस रेसिपी को ना जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से ये हमारा जो आटे का चीला है ये भी बनकर हो चुका है रेडी। ये हमारे दोनों ही चीले रेडी हो चुके हैं। और यदि आप बड़ों के लिए बना रहे हैं ना, तो आप इस बैटर में ही प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया या जो भी स्पाइसेस आप और ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस से हम इस चीले को भी सेक लेते हैं। आप बीटरूट और रागी के चीले को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए देखते रहिए कुक विद गुरमीत। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए कुक विद गुरमीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।